बसमरम्स रही वरक यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाए रब्बिश सदरी व यसिल अमरी वह लल़दतमिलसानी यफ़ कहू कौलीमदल आज चौबीस रोज़े हो गए हैं कल हमने जकवात के बारे में जाना था आज इन हम फितरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे सदक़ा फ़ितर फ़र्ज़ है सदक़ा फितर का मकसद रोज़े की हालत में सरजत होने वाले गुनाहों से खुद को पाक करना है फितर नमाज ईद के लिए निकलने से कबल अदा करना चाहिए वरना आम सदका शुमार होगा सदका फ़ितर के मुस्त वही लोग हैं जो ज़कवा़त के मुस्तक हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी से रवायत है कि रसूल्ला सल्ल वम ने फरमाया सदक़ा फ़र रोज़ेदार को बेहदगी और फहश बातों से पाक करने के लिए नेज़ मोहताजों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए फ़र्ज किया गया है जिसने नमाज ईद से पहले सदक़ा फ़र अदा किया इसका सदका फ़र हो गया और जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया इसका सदका फ़िर आम सदका शुमार होगा इसे अहमद और अब इबन माजा ने रवायत किया है सदकआ फ़र की मकदार एक सा है जो पौने तीन शेर या ढाई किलोग्राम के बराबर है। हैदक़ा फ़ितर हर मुसलमान गुलाम हो या आज़ाद मर्द हो या औरत छोटा हो या बड़ा रोज़ेदार हो या गैर रोजेदार साहब निसाब हो या ना हो सब पर फ़र्ज है हज़रत अब्दुल्ल बिन उमर रज़ी से रवायत है कि रसूल समज़ान का सदक़र एक सा खजूर या एक सा जौ ग़ुलाम आज़ाद मर्द औरत छोटे बड़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं जिस शख्स के पास एक दिन रात की खुराक मैसर न हो वो सदक़े फित्र अदा करने से मुतस् है। सदक़ा फ़तर गल्ला की सूरत में देना अफजल है गेहूँ चावल जौ खजूर मुनक्का या पनीर में से जो चीज़ देर इस्तेमाल हो वही देनी चाहिए हज़रत अबू सईद अल्लाह नो फरमाते हैं कि हम फितर एक सा गल्ला या एक सा खजूर या एक सा जौ या एक सा मुनक्का या एक सा पनीर दिया करते थे इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है ढाई किलोग्राम गल्ला या इसकी कीमत अदा करना दोनों तरह जायज़ है सदक़े फितर अदा करने का वक्त आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के बाद शुरू होता है लेकिन ईद से एक या दो दिन पहले अदा किया जा सकता है सदक़े फितर घर के सरपरस्त को घर के तमाम अफराद बीवी बच्चों और मुलाज़मों की तरफ से अदा करना चाहिए हज़रत नाफ़िर रजी अल्लाह से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदका फ़ित अदा करते थे हती कि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे और अब्दुल्ला बिनुमर रज़ी इन लोगों को देते थे जो कबूल करते हैं और ईदालफ़ितर से एक या दो दिन पहले देते थे इसे बुखारी ने रवायत किया है तो किताब सुन्नत की रोशनी में हमें पता चलता है कि सदका फितर देना कितना ज़रूरी है सदका फितर हर एक को देना है चाहे ग़ुला हो या आज़ाद और घर के सरपरस को अपने तमाम घर वालों की तरफ़ से सदका फ़ितर अदा करना है सदक़े फित्र फ़र्ज़ है और मस्किनों का हक़ सदक फ्र मस्किन और गरबाओं को देनी चाहिए ताकि उनकी घर की ईद भी अच्छी हो और माह मुबारक के रोज़े रखने के बाद वो अपने घर में ईद अच्छी मना सकें सदके फित्र एक सा देना है एक सा मतलब ढाई शर ये ढाई शेर से तीन शेर के दरमियान है तो अनाज देना अफजल है तो वह अनाज दें जो हम खुद खाते हैं जैसे चावल आटा जो हम खाते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को देना चाहिए तो हमें ढाई शेर देना है तो ढाई शेर से तीन सेर के दरमियान दें गल्ला देना अफजल है अगर गल्ला नहीं दे पा रहे हैं तो गल्ले की कीमत के पैसे दे दें ढाई शेर अनाज की जो कीमत होती है वो दे दें और ज़्यादा दें तो ज़्यादा तो बेहतर है ज़कवात हम साल भर दे सकते हैं लेकिन सदक़ा फित्र हमें रमज़ान में देना है और वो भी ईद के एक दो दिन पहले ईद से एक दिन पहले दें और ईद की नमाज से पहले दें ईद की नमाज़ के बाद अगर हम फितर देंगे तो वो फितरा नहीं होगा बल्कि आम सदका होगा इसलिए हमें ईद की नमाज़ से पहले सदक़ा फितर अदा कर देना है सदक़े फ़ितर बहुत अहम है क्योंकि हमसे जो मुबारक में गलतियाँ हो जाती हैं रोज़े के दरमियान जो हम गलतियाँ कर बैठते हैं रफजिशें हो जाती हैं उससे उसका ये सदक़ा फ़ितर कुफारा है तो सदक़े फितर ईद से एक रोज़ या दो रोज़ पहले दें और मुस्तकिन को दें देख कर दें उन मुस्तक को दें जो मांगते नहीं हैं और जिनके घर में ईद के दिन हो सकता है कुछ ना हो उन मुस्तक लोगों को देख कर सदक़े फितर दें और अच्छा अनाज दें ताकि उनके घर में भी ईद अच्छी हो और वो भी अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी ईद मनाएं सदक़े फ़्र के अलावा नफली सदक़े की भी बहुत बड़ी अहमियत है सदक़ा अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है हजरत अबू सईद सद रजील्न कहते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया पोशीदा सदक़ा अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है सिलहमी उम्र में इजाफा करती है और नेक अमल आदमी को बुराई के घड़े में गिरने से बचाता है इसे बेकही ने रवायत किया है क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के सए में होंगा हज़रत मुसदिन अब्दुल्लह रज़ी नबी अक्रम बाद साहबा से रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल सना कि आप फरमाते थे कियामत के रोज़ सदक़ा ईमानदार के लिए साआ होगा इसे अहमद ने रवायत किया है मामूली चीज़ का सदक़ा भी आग से बचा सकता है हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी कहते हैं कि मैंने रसूल सल वसम को फरमाते हुए सुना जहनम के आग से बचो ख्वा खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो इसे बुखारी ने रवायत किया है अफज अफज़ल तरीन सदक़ा पानी पिलाना है। हैज़रत सात बिन आबादा रज़ील से रवायत है कि उन्होंने कहा कि एल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सात की माँ फौत हो गई बस कौन सा सदक़ा अफ़ल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया पानी पिलाना उन्होंने एक कुआँ खोदा और कहा कि यह सात की माँ के स्वब के लिए है इसे अब दाऊद ने रवायत किया है सदक़ा देने से माल कम नहीं होता हज़रत अबू हुरार रजील्लाना कहते हैं कि रसूल सल्ला व्लम ने फरमायादक़ा देने से माल कम नहीं कम नहीं होता माफ़ करने से इज़्ज़त बढ़ाता है और आज़ज़ी अख्तियार करने पर अल्लाह बुलंद मरतबा फा फ़रमाता है इसे मुस्लिम ने रवायत किया है आज जबकि तंदरुस्ती और माल के ख्वाहिशमंद लोग ज़माने में बहुत ज़्यादा हैं तो इस ज़माने में इस तंदरुस्ती और माल के ख्वाहिश के ज़माने में सदका देना अफजल हैदक़ा देने में जल्दी करना चाहिए मैयत की तरफ से सदक़ा करना जायज़ है हज़रत अब्दुल्ल् बिन अब्बास रज़ी अल्लाह से रवायत है कि एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालदा फ़ौत हो गई अगर मैं इसकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या इसे फ़ायदा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ इसने कहा मेरा एक बाग है मैं आपको गवाह करता हूँ कि मैंने उसकी तरफ़ से ये सदका कर दिया इसे तरमिज़ी ने रवायत किया है तो मेरे रब से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हमें नेकियों के काम में आगे बढ़ा हमको नेकी की तोफ़ी अता फ़रमा हमें गुनाहों से दूर रख और हमें क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में चलने की तोफ़ी अता फ़रमा आमीन या अल्लाह हमें कहने सुनने समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी दे आमीन या रबी लालमीन अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए मुझे अपने कीमती मशवरों से नवाजें खुश रहें अपना ख्याल रखें अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़